गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की कंपलसरी इंग्लिश के सेकंड चैप्टर का फोर्थ पार्ट। तो आइए पढ़ते हैं। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको पास सब्सक्राइब बटन के पास वाला जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लें। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट। हाँ देखिए, इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है, भाग्य है। हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी भाग्य, फैट FATE, फैट यानी भाग्य, डेस्टिनी। सेज मुकेश ग्रांड मदर, ये मुकेश की जो दादी माँ है वो कहती है कि ये उसका भाग्य है। हु हैज वॉस्ट हर ओन हस्बैंड, हु हैज वॉस्ट, जिसने देखा है हर ओन हस्बैंड, उसके अपने पति को, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए। यानी मुकेश की जो दादी माँ है वो ये कहती है कि ये उसका कर्म है। यानी मुकेश का जो पिता है वो चूड़ी बनाने का काम करता है, बैंगल्स मेकिंग का काम करता है, और अपने बच्चों को भी उसने वही सिखाया है, तो वो कहती है कि ये उसका भाग्य है और उसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास, विद द डस्ट, उस धूल से, कौन सी, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास, जो ग्लास को पॉलिश करने से उड़ती है, ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के, यानी चूड़ियों के ग्लास को पॉलिश करते समय जो धूल उड़ती है, जो डस्ट निकलती है, उस डस्ट से उसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन, लीनियज, लीनियज का मतलब वंश परंपरा, क्या ईश्वर के द्वारा दी गई, गॉड गिवन, ईश्वर प्रदत्त, या ईश्वर के द्वारा दी गई लीनियज जो है उसको कभी बदला जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। शी इम्प्लाइज, वो इस बात को कहती है, जोर देकर कहती है, डेस्टिनी यानी भाग्य, गॉड गिवन लीनियज यानी ए प्रोफेशन कैरिड ऑन थ्रू द जनरेशंस ऑफ ए फैमिली, यानी किसी परिवार का पीढ़ियों से जो लिया, जो चला आ रहा जो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, उसके लिए यहाँ गॉड गिवन लीनियज यानी ईश्वर प्रदत्त परंपरा, यानी वंश से, कई पीढ़ियों से चली आ रही जो परंपरा है। बोर्न इन द कास्ट, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर्स की कास्ट में जन्म लेना। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बेंगल्स, चूड़ियों के अलावा। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में, सब जगह उन्होंने क्या देखी है, केवल चूड़ियां ही देखी है, इनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा। स्पिरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के जो स्पिरल्स हैं, एक घेरे के अंदर बांधी हुई जो चूड़ियां हैं, कौन कौन से कलर की, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो जो होता है, इंद्रधनुष जो होता है, उसके सारे जो सात रंग हैं, उन सारे सात रंगों से बनने वाली जो चूड़ियां हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, अनकैम्प्ड यानी बिखरा हुआ, अनकैम्प्ड बिखरा हुआ, यार्ड्स यानी आंगन, बिखरे हुए आंगन के अंदर ढेर लगी हुई ये चूड़ियां पड़ी रहती है। आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, फोर व्हील्ड, फोर व्हील्ड का मतलब चार टायरों वाली, जो हाथ से धकेलने वाली जो कार्ट होती है, गाड़ी होती है, रेडी जिसे कहते हैं। पाइल्ड का मतलब होता है PILE, पाइल मीन होता है ढेर, ढेर भी होता है और ढेर लगा होना भी होता है, यानी नाउन का काम भी करता है और वर्ब का काम भी करता है। तो यहां पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, चार टायरों वाले जो हैंड कार्ट है, रेडी है, उसके ऊपर भी ढेर लगाया हुआ पड़ा रहता है। पुश्ड बाई यंग मैन, जिन्हें यंग मैन के द्वारा पुश किया जाता है, अलोंग द नैरो लेंस ऑफ द शेंटी टाउन, यानी ये जो सिकुड़ा कस्बा है, जो बहुत ज्यादा
कंजस्टेड जो कस्बा है, इस कस्बे की पतली गलियों से, नैरो का मतलब पतली और लेंस यानी गलियां, इन पतली गलियों से युवा जो लड़के हैं, युवा जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इन कार्ड्स को धकेला जाता है। न्यू वर्ड्स देखिए, यार्ड, यार्ड का मतलब द ओपन एरिया एट द बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे का खुला स्थान जो होता है। माउंट्स यानी हीप्स, ढेर। अनकैम्प्ड, नॉट टेकन केयर ऑफ या बिखरा हुआ। पाइल्ड का मतलब कैप्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर दूसरी रखी हुई यानी ढेर लगा हुआ। शैंटी टाउन, ए टाउन दैट इज फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ट हट्स, यानी एक कस्बा जो छोटी और अस्त व्यस्त बनी हुई झोंपड़ियों से भरा हुआ है, उसको कहते हैं शैंटी टाउन। हाँ, आगे देखते हैं इसके बाद यहां क्या होता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोंपड़ी। हाँ, तो आगे आइए इसमें देखते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोंपड़ पट्टियों में, झोंपड़ पट्टियां जो है, झोंपड़ियां जो है वो क्या है, अंधेरी है, वहां लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लैम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, जलते हुए जो ऑयल लैंप्स हैं, उन ऑयल लैंप्स की लपटों के, उनकी फ्लैम्स के आगे बैठे हुए सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठते हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने मम्मी पापा के साथ। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस, यानी कलर्ड ग्लास के पीसेस को वेल्डिंग करते हुए, जोड़ते हुए, वेल्डिंग करना मतलब जोड़ना, जॉइनिंग करना। इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों के घेरों में, यानी जो लड़के हैं वो अंधेरी झोंपड़ पट्टियों में अपने मम्मी पापा के साथ में बैठे हुए चूड़ियों के जो पीस, जो कांच है, उन कांच की चूड़ियों के गोल गोल सर्किल वो बनाते वहाँ बैठते हैं। देयर आइज, उनकी आँखें आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आँखें अंधेरे से ज़्यादा एडजस्टेड है देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की लाइट की बजाय, यानी बाहर की जो लाइट है उसकी बजाय उनकी आँखें अंधेरे से ज़्यादा एडजस्टेड है। अब वो क्या है कि पूरे दिन अंधेरे में ही रहते हैं, अंधेरे में ही काम करते हैं, तो बाहर की रोशनी में ज़्यादा जा नहीं पाते, देख नहीं पाते। जैसे हम कई बार अंधेरे कमरे में बैठे और अंधेरे कमरे से अचानक बाहर निकलते हैं तो किस प्रकार से रोशनी आँखों को प्रभावित करती है, वैसा ही इनके साथ होता है। दैट इज वाई, इसीलिए दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, दैट इज वाई, यही कारण है कि दे ऑफन, वे प्राय एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, अपनी आई साइट, आंखों की जो रोशनी है उसको लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट, व्यस्क होने से पहले ही। वेल्डिंग का मतलब क्या है, ज्वाइन करना, जोड़ना, ज्वाइनिंग। हाँ, आगे देखते हैं। अब कहानी एक क्या आती है, एक लड़की की कहानी, सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस, यानी सविता नाम की एक लड़की है जो पिंक कलर की यूनिफॉर्म ड्रेस पहने हुए है, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, वो एक वृद्ध औरत के पास में बैठती है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, ग्लास के टुकड़ों को सोल्डर करते हुए, जोड़ते हुए। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, अब उसके हाथ जो है वो यंत्रवत चलते हैं, यानी एक मशीन की भांति काम करते हैं, लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, एक मशीन के चिमटों की भांति। आई वंडर इफ शी नाउज, मैं तो ये सोचती हूँ कि क्या वो जानती है द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, चूड़ियों की पवित्रता को। शी हेल्प्स मैक, जिन्हें बनाने में वो मदद करती है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, यह भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक होता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, यह शादियों में शुभ होती है ऐसा माना जाता है। ड्रैब, ड्रैब जो फर्स्ट लाइन में ऊपर आया था, ड्रैब का मतलब फेडेड, कलरलेस, जिसका कलर उड़ा हुआ हो ऐसा। सोल्डरिंग का मतलब जोड़ना, जॉइनिंग। टंग्स, टंग्स यानी चिमटे जो होते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विद टू मूवेबल आर्म्स जॉइंट एट वन एंड, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी दो मूवेबल भुजाएं होती है जो एक एंड पर जुड़ा हुआ होता है, जैसे रोटी पकाने का जो चिमटा होता है उसी की बात हो रही है। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी यानी पवित्रता। द स्टेट ऑफ बींग सेकर्ड और होली, यानी पवित्र होने की जो अवस्था होती है सैंक्टिटी। ऑस्पिशियसनेस यानी गुड ओमन, अच्छा जो संकेत होता है।
इट विल डन। अब वो जो है पवित्रता को नहीं जानती है। अब देखो इट विल डन ऑन हर सडनली, इट विल डन ऑन हर सडनली, डन का मतलब डन ऑन हर, शी विल रियलाइज, यानी यह वो अचानक महसूस करेगी, वन डे एक दिन, व्हेन हर हेड, जब उसका सिर इज ड्रैप्ड, ढक दिया जाता है विद ए रेड व्हील, एक लाल घूंघट से, जब लाल घूंघट से उसका सिर ढक दिया जाएगा तब उसको ये महसूस होगा, उसके हाथों में डाइड रेड विद हिना, हाथ जो है वो हिना से, हिना यानी मेहंदी, मेहंदी से लाल रंग में रंग दिए जाएंगे, डाई का मतलब रंगना, एंड रेड बैंगल्स और लाल चूड़ियाँ रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, वो उसकी कलाई पर पहना दी जाएगी, शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वूमन, उस वृद्ध औरत की तरह, बिसाइड हर जो उसके पास में है, हु बिकेम वन, जो एक दुल्हन बनी थी मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी कलाई पर चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, आंखों की रोशनी जो है वो अंधेरी गर्म भट्टियों में काम करते हुए और जो ग्लास की धूल है, डस्ट है, उससे चली गई है, खराब हो गई है। अब वो वृद्ध औरत क्या कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, She says, ये बात वो कहती है कि एक वक्त हमने शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी पर्याप्त रूप से अपने भोजन, भरपेट भोजन कर सकें, इतना भी वो नहीं कमा सकते, इन ए वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, यानी आनंदहीन जो आवाज़ है उसमें वो कहती है, उसकी आवाज़ में कोई आनंद नहीं है, उत्साहित नहीं है वो, शी हैज नॉट एन्जॉयड, शी हैज नॉट एन्जॉयड, उसने आनंद नहीं लिया, इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे लाइफ टाइम में, एंटायर मतलब पूरा संपूर्ण, फुल मील भरपेट भोजन, यानी अपने संपूर्ण जीवन में उसने भरपेट भोजन का भी आनंद नहीं लिया, दैट्स वट शी हैज रीप्ड, यही है जो उसने अपनी लाइफ में कमाया है, अर्जित किया है, हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, हर हस्बैंड उसका पति एक वृद्ध आदमी विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी फ्लो करती हुई दाढ़ी है, सेज, वो कहता है, आई नाउ नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं जानता, आई नाउ नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा, ऑल आई हैव डन, वो सब कुछ जो मैं कर पाया, मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मेक ए हाउस, एक घर बनाया है फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव इन, रहने के लिए, यानी परिवार के रहने के लिए एक घर वो बना पाया, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा नहीं होने की जो चिल्लाहट है, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस, यानी जो उनका बिजनेस है मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने का, उस चूड़ियां बनाने के अलावा अन्य कुछ भी ना कर पाना और पैसा नहीं हो पाने की जो चिल्लाहट है, नॉट इवन इनफ टू ईट, और पर्याप्त रूप से भोजन नहीं किया, ये आवाज रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में आती है, ये आवाज प्रत्येक घर में बजती रहती है कि उनके पास पैसा नहीं है, खाना भी नहीं खाया है, द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अब जो यंग मैन है वो अपने एल्डर्स, उनके जो बड़े हैं, उनकी शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं वो कि उन्होंने कुछ किया नहीं, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, लिटिल हैज मूव्ड, लिटिल का मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर, समय के साथ वहां से मूव कर गए, चले गए, यानी बहुत ही कम लोग जो है वो फिरोजाबाद को छोड़कर गए हैं, या फिर चूड़ियों बनाने का जो काम है उसको बहुत ही कम लोगों ने छोड़ा है, इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, टॉयल का मतलब कठिन परिश्रम, माइंड नंबिंग होता है दिमाग को सुन्न कर देने वाला, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, वर्षों के दिमाग को सुन्न कर देने वाले कठिन परिश्रम के कारण, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम,
यानी उनकी ड्रीम करने की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसको उसने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। यानी जो युवा लोग हैं उनके अंदर अब सपने लेने की, सोचने की क्षमता भी नहीं रही है कि वो चूड़ियां बनाने के अलावा अन्य कुछ सोच सकें, क्योंकि जब वो बिल्कुल छोटे से थे तब से वो चूड़ियां बनाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। और माइंड नंबिंग, सुन्न कर देने वाला जो ये काम है, जो कठिन परिश्रम है, इसके कारण उनकी जो सोचने की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। फिर लेखिका जो है वो उन युवाओं से क्या कहती है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व इनटू ए कोऑपरेटिव, तुम अपने आप को एक संगठन में संगठित क्यों नहीं कर लेते, तुम अपनी एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं यंग मैन के एक ग्रुप से पूछती हूँ, यानी युवा लोगों के एक ग्रुप से पूछती हूँ, हु हैव फॉलन, जो गिर चुके हैं इनटू द विशियस सर्किल, कुचक्र में। विशियस सर्किल यानी कुचक्र, विशियस होता है दुष्ट या निर्दयी। ऑफ मिडिल मैन, किसके, मिडिल मैन के, बिचौलियों के, जो कि बिचौलियों के कुचक्र में गिर गए हैं, ऐसे लोगों के एक समूह से मैं पूछती हूँ, हु ट्रैप्ड देयर फादर, बिचौलिए जिन्होंने उनके पिताओं को अपने जाल में फंसाया था, एंड फोर फादर्स, और उनके पूर्वजों को भी अपने जाल में फंसाया था, उन बिचौलियों के जाल में ये जो यंग मैन हैं ये फंस चुके हैं। इवन इफ, अब वो यंग मैन जो है वो क्या कहते हैं लेखिका से, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित होना, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठित होते हैं, वी आर द वंस, हम वो लोग होंगे, हु विल बी हॉल्ड अप, जिन्हें घसीटा जाएगा बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। क्या कहते हैं वो, किया यदि हम संगठित हो जाते हैं तो पुलिस के द्वारा हमें घसीटा जाएगा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में घसीटा जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई गैर कानूनी कार्य करने के जुर्म में। यानी इसमें लेखिका को वो क्या कहते हैं कि यदि वो संगठित होते हैं, तो संगठित होंगे तो जो बिचौलिए हैं उन बिचौलियों का काम नहीं चलेगा, वो संगठित होकर अपना अलग से कोई काम कर लेंगे, तो वो बिचौलिए जो है उनकी पहुंच ऊपर तक है। अब ऊपर तक पहुंच है तो जैसे ही वो संगठित होना की कोशिश करते हैं, संगठित होने की कोशिश करते हैं, तो वो बिचौलिए जो हैं वो पुलिस में उनकी कंप्लेन करते हैं, पुलिस तक उनके हाथ हैं, वो कहते हैं कि इनको जेल में डालो, ये संगठित हो रहे हैं, तो उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का दोष लगा दिया जाता है, कोई इलीगल काम करने का, गैर कानूनी काम करने का दोष लगा दिया जाता है। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई लीडर नहीं है। नो वन कोई नहीं है, हु कुड हेल्प, जो मदद कर सके देम, उनकी, सी थिंग्स डिफरेंटली, चीजों को अलग प्रकार से देख सके, देयर फादर्स, उनके पिता, आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता जो थे वो भी उतने ही थक चुके थे जितने कि वो थके हुए हैं। विशियस का मतलब क्या होता है, क्रूअल, निर्दयी, या कुचक्र जो होता है बुरा, बैड, होल्ड अप यानी ड्रैग्ड, घसीटना, टेकन अवे। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पिरल, वे एक स्पिरल में एंडलेसली अंतहीन रूप से बातें करते हैं, दैट मूव्स पॉवर्टी टू एपेथी, अब उनकी बातें जो है वो पॉवर्टी से एपेथी, एपेथी से ग्रीड, ग्रीड से इनजस्टिस, अन्याय तक पहुंच जाती है। यानी अन्याय जो होता है उसके बारे में वो बातें करते रहते हैं, गरीबी जो है उसके बारे में बातें करते हैं, उनका जो लालच है, जो बिचौलियों का लालच है, उसके बारे में वो केवल बातें करते रहते हैं, कर कुछ नहीं पाते। लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट, अलग अलग, उनको देखकर मैं दो अलग अलग संसार देखती हूँ। यानी लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं दो अलग अलग संसार देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो परिवार कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो जाति के स्टिग्मा से, जाति का जो धब्बा है उस धब्बे के बोझ तले दबे हुए हैं, इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति में उनका जन्म हुआ है। एक तो ये हो गए
यानी एक संसार तो लेखिका को ये लगता है कि वो लोग जो गरीब हैं और जाति के बोझ तले दबे हुए हैं। द अदर ए विशियस सर्किल, दूसरे लोग कौन से हैं, कुचक्र वाले लोग जो हैं वो कौन से, साहूकार हैं, मिडिल मैन हैं, पुलिस मैन हैं, कीपर्स ऑफ लॉ है, कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स मीन होता है जो नौकरशाही अधिकारी वर्ग है, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनीतिज्ञ जो लोग हैं वो दूसरे लोगों का एक समूह हो गया, यानी एक तो गरीब लोग और दूसरे जो राजनीति है, पुलिस वाले हैं, ये सब आ गए। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, टुगेदर एक साथ, दे हैव इम्पोज्ड उन्होंने रख दिया है द बैगेज ऑन द चाइल्ड, यानी जो बोझ है, भार है, जो सामान है वो बच्चे के ऊपर रख दिया है, यानी बच्चा जब छोटा होता है उसी समय से उसके ऊपर वो चूड़ी बनाने का काम डाल दिया जाता है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो नीचे नहीं रख सकता है। बिफोर ही इज अवेयर, वो अवेयर हो इससे पहले ही, ही एक्सेप्ट्स इट, वो इसे स्वीकार कर लेता है, यानी बच्चे को जब तक पता चलता है तब तक वो इस बात को स्वीकार कर चुका होता है, इट हैज इट एज ए नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से, नेचर रूप से, एज हिज फादर, जैसे कि उसके पिता ने किया था, यानी उसी प्रकार से नेचुरली वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है जिस प्रकार से उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी अन्य करना, वुड मीन इसका मतलब होगा टू डेयर, चुनौती देना, यानी इस काम के अलावा वो अन्य कोई काम करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो बिचौलिए हैं, मिडलमैन हैं, उनको चुनौती देना। हाँ, तो चुनौती देना, इससे आगे कुछ वर्ड्स हैं ये हम देख लेते हैं। स्पिरल, स्पिरल का मतलब होता है नेवर एंडिंग कंटिन्यूज प्रोसेस, यानी समाप्त न होने वाली जो लगातार प्रक्रिया है। एपेथी, लैक ऑफ कंसर्न, ग्रीड, इंटेंस एंड सेल्फिश डिजायर फॉर समथिंग, डिस्टिंक्ट यानी सेपरेट, अलग, स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी डिसऑनर, अपमान, धब्बा, दाग, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, अधिकारी वर्ग, इम्पोज्ड यानी फोर्स्ड अपॉन, ऊपर डाल देना, बैगेज का मतलब बोझ, टू डेयर यानी साहस करना, चुनौती देना, डू समथिंग कोरेजियस, कोई साहसपूर्ण कार्य करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप का मतलब पालन पोषण, तो डेयरिंग जो है, साहस करना जो है, वो उनके पालन पोषण का हिस्सा है ही नहीं, यानी उनको साहस करना, चुनौती देना सिखाया ही नहीं, इसलिए वो ये नहीं कर पाते। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered, जब मैं मुकेश में इस बात को देखती हूँ, इस बात की थोड़ी सी आशा देखती हूँ, तो मैं आई एम चीयर्ड, मैं प्रसन्न होती हूँ। अब मुकेश जो है वो कुछ अलग करना चाहता है, वो कहता है ना कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार का मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मतलब वो कुछ अलग सोचता है। आई वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो इस बात को दोहराता है, ही विल गो टू ए गैरेज, वो एक गैरेज में जाएगा एंड लर्न और सीखेगा, बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, गैरेज जो है वो उसके घर से बहुत दूर है, ए लॉन्ग वे यानी बहुत दूर। आई विल वॉक, मैं चल कर जाऊँगा। ही इंजस्टिस, वो इस बात को जोर देकर कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, डू यू ऑल्सो ड्रीम, क्या तुम्हारा सपना भी है ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, जहाज उड़ाने का, क्या तुम्हारा हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी है। ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक से चुप हो जाता है। नो नहीं, ही सेज, वो कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड पर घूरते हुए, इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रेग्रेट, यानी अब उसके अंदर क्या है, उसकी जो मर्मर है, जो गुदगुदाहट है, उसमें थोड़ी सी क्या है, शर्मिंदगी है, जो कि अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। यानी हवाई जहाज उड़ाने का कहा, अब हवाई जहाज उड़ाने के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं, क्यों, फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत ही कम हवाई जहाज उड़ते हैं, हवाई जहाज वो देखते भी बहुत ही कम है, तो उसके बारे में वो सोचते नहीं है। तो हवाई जहाज उड़ाने का कहा तो उसको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन पश्चाताप नहीं होता कि ये मैंने क्यों नहीं किया। ही इज कंटेंट,
वो संतुष्ट है टू ड्रीम ऑफ कार्स, कारों के सपने से, दैट ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट, जिसे वो गली के अंदर नीचे चलते हुए घूमते हुए सोचता है ऑफ हिज टाउन, अपने गली में, यानी जिन कारों को वो अपने टाउन की गलियों में चलते हुए देखता है उन कारों के सपने से ही वो कंटेंट है। कंटेंट मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाइड। फ्यू एयरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत ही कम एरोप्लेन उड़ते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हुई। अब आगे इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।